हाय गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम का 7 बज रहा है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे संजीत के ब्लॉग्स में। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, इसमें मैं बाइक का टेल रैक बनाने वाला हूं। बाइक का जो टेल रैक बनने वाला है वो मैं खुद से मार्केट से जो भी सामान लगेगा उसको खरीद कर मैं मिस्त्री से बनवाऊँगा, जिसका कॉस्ट बहुत ही कम मेरे को पड़ने वाला है। तो चलिए उसका हम लोग प्रोसेस देखते हैं, उसे कैसे कैसे बनाया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बजट में कम पैसे में आपका टेल रैक बन जाए तो आप भी मार्केट से खरीद कर बनवा सकते हैं। पूरा डिटेल्स पूरा वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। और ज़्यादा दिक्कत होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको खुद गाइड कर दूँगा इसे किस तरह बनाना है एकदम बजट में आपका टेल रैक, वो भी मार्केट से बहुत ही अच्छा क्वालिटी का। से 4 SS का स्क्रू लगाया है लगाने के लिए, तो कुछ इस तरह का है, शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। ये रहा 4 स्क्रू है SS का, इसका कॉस्ट लिया है 60 रुपीज़, 60 रुपये का 4 खोल कर लाए हैं। इसमें आपका हम जो छेदा दिया हुआ है इसको छेदा नहीं करवाएंगे, इसका बगल में एक छेदा करवाएंगे, 4 होल करवाएंगे, उसके बाद इसमें फिटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। क्या लेने जा रहे हैं हम लोग? पॉलिश करने के लिए, उस प्लेट को पॉलिश करने के लिए कुछ पाउडर होता है उसको अभी लेने जा रहे हैं, देखते हैं उसका क्या प्राइस है, क्योंकि उसको अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो थोड़ा गंदा दिखेगा, इसलिए पॉलिश करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम 2 बजे से काम करवा रहे हैं, अभी शाम का 5:30 बज गया, बहुत टाइम लगा। इसको खरीदे हैं 45 रुपीज़ लिया है, जिसको मशीन में लगाकर इससे पॉलिश किया जाएगा उसको, इसके साथ एक और पाउडर लगता है। अभी भैया पाउडर खोज रहे हैं जो इसमें पॉलिश करने के लिए लगेगा, मैं उनको बोला एक पॉन्ड्स का पाउडर ले आते हैं जिससे पॉलिश कर देते हैं, मांगते रहेगा। पॉन्ड्स पाउडर से काम होगा? पॉन्ड्स वाला ला देते हैं, पॉन्ड्स वाला। फाइनली मेरा टेल रैक बनकर अभी तैयार हो चुका है और मैं अभी इसको इंस्टॉलेशन के लिए लेकर आ गया हूँ अपने बाइक के पास, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये। देखिए तो किस तरह का आपका टेल रैक है, किस तरह का दिखता है। ये है आपका टेल रैक जो पूरा प्लेट है, इसका वेट 1 kg के आसपास है। इसके साथ मैं लिया हूँ ये 4 स्क्रू जो इसके साथ इंस्टॉल करूँगा, जो कि पूरा स्टील का है, ये जंग वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक होल करवाया है, एक यहाँ पर होल करवाया है, एक यहाँ पर होल करवाया है और यहाँ पर होल करवाया है। तो मैं इसको अभी इंस्टॉल करूँगा, इस रबर का जो दिया हुआ है ये इसको मैं नहीं निकालूंगा, इसके ऊपर ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। देखिए ये कुछ इस तरह का है व्यू, हाथ पर कुछ इस तरह का दिख रहा है।
तो फाइनली मेरा इंस्टॉलेशन डन हो गया है। और इसका कॉस्ट का बात करें तो ये मेरा टोटल कॉस्ट 1300 में 1300 रुपये का कॉस्ट आया है बनवाने में। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा और इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाते रहूँगा। अभी हैंडल बार बनवाना है, क्रैश गार्ड लगवाना है, ये सब का वीडियो अभी आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो भाई को सपोर्ट कीजिए और चैनल को, अगर एक वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम और कोशिश करेंगे अच्छा बनाने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं।